जैसे कि देख सकते हैं गाइस रिवर्स हो रही है, रिवर्स अपने आप हो रही है, बटन दबा के इसको पैर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। हेलो राइडर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक बाइक का बहुत बड़ा स्टॉक और इसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, सारे फीचर। जैसे कि हमारी वीडियो आती रहती है, सेकेंड हैंड बाइक्स होती है, लेकिन अभी तो जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो लॉन्च हुई है और न्यू अवेलेबल है आपके लिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो आइए पूछते विकास भाई से, विकास भाई इनमें जो इलेक्ट्रिक बाइक है और जो हमारी पेट्रोल वाली है उसमें डिफरेंस क्या है? हाँ जी सर, तो ये सर हमारी बैटरी वाली स्कूटी है, ठीक है, ये यो बाइक कंपनी की है, ठीक है, ये हमारी 2006 से कंपनी है और इंडिया की ही कंपनी है, इंडिया की है और सारे पार्ट्स इसके इंडिया के ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी जो स्कूटी है मेड इन इंडिया है, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हैं, चाहे इसका टायर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो इसका, वो सारे के सारे मेड इन इंडिया है। तो अगर आप इंडिया से प्यार करते हो तो आप ये बाइक खरीद लोगे। आइए पूछते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। हाँ जी, तो सर इसका मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि नॉर्मली आपका सर पेट्रोल आज के टाइम पे सर 100 रुपये लीटर हो चुका है, ठीक है, तो सर आपकी जो बाइक्स वगैरह होती है, स्कूटी वगैरह होती है, वो नॉर्मल एवरेज देते हैं 30-35, इससे ऊपर कोई भी नहीं देती, ठीक है। ये सर आपके चार्जिंग वाली होगी, एक बार चार्ज करेगी, इसके अंदर सर आपकी 60 वोल्ट की मोटर है, ये 65-70 की आपकी एवरेज देगी। ओके, जैसे अभी पेट्रोल पंप तो हम लोग को रास्ते में मिल जाता है तो हम लोग पेट्रोल भरवा लेते हैं, लेकिन इसमें चार्ज खत्म हो गया फिर सर नॉर्मली इसका चार्जर है, देखिए अब ये इसका ये सॉकेट है, ये भी इसके यहीं पर ही ऐसा लग जाता है, और ये नॉर्मली आप अपने सॉकेट में लगा दीजिए। हाँ जी, और ये 1.5 यूनिट का खाली खर्चा लेता है, नॉर्मल होता है वो भी फुल चार्ज करने के लिए। हाँ जी, 1.5 यूनिट का फुल चार्ज 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी आपकी, 6 घंटे बाहर से ही। हाँ जी, 6-6.5 घंटे में आपकी पूरी चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट है, जैसे आपके लैपटॉप ये सब चीज चार्ज होते हैं जैसे, वैसे ही है बिल्कुल एग्जैक्ट, और 1.5 यूनिट ये उठाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं उठाता, आपकी 6 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस स्कूटी के अंदर की फीचर्स की, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक बाइक आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी है, तो आपको बताने वाले हैं कि जो जैसे यो कंपनी है उन्होंने कितने टाइप की बनाई है गाड़ियाँ। सर आपकी दो इसके अंदर मॉडल आ जाते हैं, एक यो ड्रिफ्ट DX है, एक यो HDX हो जाता है, ठीक है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है आपकी LED का, ड्रिफ्ट में आपके फ्रंट में फुल LED आ जाती है, एज में आपकी LED नहीं आती है खाली। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं यो ड्रिफ्ट की, इसके सारे फीचर जानते हैं और उसके बाद, वैसे तो दोनों के फीचर सेम ही हैं, बस हेडलाइट को छोड़ के ये जो ये है इस चीज़ में डिफरेंस आ जाता है, बाकी दोनों में सारे फीचर्स सेम है। बाकी हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में। हाँ जी भाई बताओ सर, इसमें डिस्क ब्रेक आपके आ जाते हैं, ठीक है, ब्रेक दोस्तों 10 इंच के ट्यूबलेस टायर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आपका डिजिटल मीटर आ जाता है जिसके अंदर आपकी बैटरी परसेंटेज शो करेगा, ठीक है, आपकी स्पीड शो करेगा, आपका डिस्टेंस ट्रेवल शो कर देगा, ठीक है। और सर इसके अंदर आपका एक रिवर्स मोड आ जाता है, जैसे आप नॉर्मली अगर आप स्कूटी चलाते हैं तो आपको उतर के बैक करनी पड़ती है, इसके अंदर सर आप ये बटन दबाएंगे रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और सर 3 इसके गियर है इसके अंदर, 1, 2 और 3, ठीक है। ओके, हाँ जी। और सर आपको लॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है, यहीं से आपकी चालू भी हो जाएगी, बंद भी हो जाएगी, लॉक भी हो जाएगी, अनलॉक भी हो जाएगी, ठीक है, यहीं से ही सर आपकी ये डिक्की खुल जाएगी इसकी। ओके, और सर यहाँ पे इसका ये अपना USB केबल का वो दिया हुआ चार्जिंग सॉकेट, ठीक है, फ़ोन चार्ज करने के लिए। हाँ जी, फ़ोन चार्ज करने के लिए, और फ़ोन आप यहाँ पे रख भी सकते हैं, स्पेस भी दे रखी है, ठीक है। हाँ जी, और ये सर आपका चार्जिंग सॉकेट है, नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट जो होता है जहाँ से बैटरी आपकी चार्ज होगी, ठीक है। और सर इसके ये आपका चार्जर हो रहेगा, ठीक है। कितने वोल्ट का चार्जर है सर? 60 वोल्ट की आपकी बैटरी होती है इसके अंदर, ठीक है, 24 एम्पीयर की बैटरी होती है,
6 घंटे में चार्ज हो जाती है आपकी, ठीक है। और ये आपका नॉर्मली यहाँ पे लग जाएगा, नॉर्मली ऐसे करके लगा। और ये सर आप कहीं भी अपना किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। 6 घंटे में आपकी सर फुल चार्ज हो जाएगी स्कूटी। ओके, 65 से 70 की आपकी एवरेज देगी स्कूटी, ठीक है। हाँ जी, और बाकी और कोई फीचर? हाँ जी सर, और बता। और सर जैसे कि इसके अंदर ये डिजिटल मीटर है, हाँ जी, इसके अंदर जो ये आइकन शो कर रखे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो आइकन है, जैसे कि सर आपकी स्कूटी में कोई भी खराबी आती है, ठीक है, तो सर ये आइकन यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा। तो आप अगर अपने मैकेनिक के पास जैसे भी जाते हैं तो सर वो आसानी से मतलब पहचान पाएगा कि स्कूटी में क्या दिक्कत है, तो नॉर्मली ठीक करके दे देगा। और हमें भी पता चल जाएगा कि रियल में क्या है। हाँ जी, आपको भी पता लग जाएगा किस चीज़ में दिक्कत आई है और किस में नहीं आई है। और वैसे भी अगर आपने स्कूटी में कोई भी दिक्कत आती चलते हुए तो सर ये आपकी बंद हो जाएगी। हाँ, ये ड्रिफ्ट मार, हो ये आपकी कट ऑफ मार देती है, ठीक है, तो उसी टाइम आपकी स्कूटी बंद हो जाएगी। आप नॉर्मली स्कूटी से उतरिए, अपनी डिक्की खोलिए, इसको ऑन करके आप अपना जहाँ भी जाना वहाँ जा सकते हैं। हाँ जी, तो मतलब दोस्तों जैसे अगर कुछ ख़राबी आती है तो ये स्कूटी बंद हो जाएगी, तो डरने की बात नहीं है। आप पीछे डिक्की खोल के आप अपना एनसील को ऊपर उठा लीजिए और गाड़ी चल जाएगी। फिर उसके बाद आप अपने मैकेनिक पे जाकर उस चीज़ को ठीक करवा सकते हैं। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको चालू नहीं होगी गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अगर मान लो कोई सर्विस सेंटर इसका यहीं पर है, कुछ अलग है? नहीं सर, कहाँ है, वैसे यहाँ पे भी है, बाकी आप कहीं भी इसको कहीं भी इसकी सर्विस करा सकते हैं नॉर्मली। नहीं मतलब जैसे कि इसकी वैसे बंदे होते हैं, अभी यो की कंपनी की है, हाँ जी, तो इसकी सर्विस सेंटर कुछ आसपास अराउंड मतलब दिल्ली के कहीं पे हो? हाँ सर, दिल्ली में आपका रजौरी में मिल जाएगा एक, यहाँ पे है, और भी है सर अपना नारायणा में भी है एक, 2-3 जगह पर मतलब है। हाँ जी सर, है आपके। ओके, और जैसे मान लो इसको नॉर्मल मैकेनिक के पास जाके ठीक करवा सकते हैं? हाँ जी सर, नॉर्मल मैकेनिक के पास आप जाके ठीक करा सकते हैं। वैसे भी सर इसकी जो 3 साल की आपकी वारंटी आती है मोटर की, कंट्रोलर की और कन्वर्टर की, 3 साल की वारंटी? हाँ जी, 3 साल की वारंटी होती है पूरी स्कूटी की। तो उसके अंदर सर आपकी कोई भी खराबी होती है तो वारंटी है सर, एक्सचेंज वाली हो जाती है। हाँ जी, और 1 साल में 1 साल की सर आपकी बैटरी की इसकी वारंटी रहती है, 1 साल की बैटरी। हाँ जी, और मान लो मतलब बैटरी ख़राब हो जाती है तो नॉर्मली आपकी सर चेंज हो जाती है बैटरी, तो मिलेगी कहाँ से? सर यहीं से मिल जाएगी, शॉप से मिल जाएगी? हाँ, किसी भी शॉप से। हाँ जी सर, मिल जाती है। ओके, तो दोस्तों आपको यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी। स्कूटी जो है वो नॉर्मल ही है आपकी, बस ये इलेक्ट्रिक है और आपकी ये एक अच्छी खासी, आपको पता ही है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। बाकी आप इसको नॉर्मल सर्विस सेंटर में भी ले जाके ठीक करवा सकते हैं, मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं। बाकी इसका सर्विस सेंटर इंडिया में ही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी गाड़ी मेड इन इंडिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आ सकते हैं। और बाकी 3 साल की तो इसकी पूरी स्कूटी की वारंटी है। हाँ जी सर, मोटर की, कंट्रोलर की और कन्वर्टर की। ओके, और बैटरी की 1 साल की, 1 साल की वारंटी। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी फाइनेंस की क्या क्या बात होंगी? हाँ जी सर, ये बजाज से फाइनेंस हो जाती है। अच्छा, कितने परसेंट पे मतलब कितनी डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? सर 20,000 आपके डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी इसके अंदर। ओके, मैंने प्राइस जैसे भी आप, प्राइस इसका कितना पड़ेगा? सर ये आपको पड़ेगी 55,990 की, ठीक है, 55,990 की। और सर इसका जो एज मॉडल है वो आपको 53,990 का पड़ेगा। ओके, हाँ जी, तो दोस्तों ये 55,590 रुपीज़ का पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट मान के चलिए कि 56,000 का पड़ जाएगा। और जो दूसरी एज वाली है जो भी हम आपको शो करने वाले हैं वो मिल जाएगी आपको 54,000 की, है ना? हाँ जी सर। ओके, और इंश्योरेंस वगैरह इसमें वर्क कराना पड़ता कुछ? नहीं सर। ओके, इसमें जैसे लाइसेंस वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती सर इसके अंदर। ओके, नॉर्मली आप इसको चला सकते हो, हेलमेट वगैरह लाइसेंस वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हेलमेट वगैरह की? हाँ जी, नहीं होती सर इसमें। हाँ मतलब सेफ्टी के लिए अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वैसे इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती आपको। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे बंदे होते हैं लाइसेंस जिनके पास नहीं होते और पुलिस वाले हाथ दे देते हैं, तो उनके लिए गाड़ी बढ़िया है, आपको कोई हाथ नहीं देगा, आप आराम से निकाल सकते हो। और ये नहीं है कि इसको मेन रोड पे नहीं चला सकते, मेन रोड पे भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 की स्पीड देगी ये, और आप 40 की स्पीड में नॉर्मल बहुत सारे बंदे चलाते हैं जिनको थोड़ा डर होता है, तो इसके लिए बेस्ट है ये। और जैसे गर्ल्स भी लेना चाहे तो गर्ल्स के लिए भी परफेक्ट है गाड़ी। बाकी मल्टीपल राइडिंग में भी सर इसका क्या होता है, जैसे दूसरी जो स्कूटियाँ आती हैं वो सर जैसे आप अगर एक बंदा पीछे बिठाते हो ना तो सर एवरेज कम देती है या फिर पिकअप उसका कम रहता है। इसका सर उतना ही पिकअप रहता है, चाहे आप दो बंदे बैठो इसके ऊपर चाहे सिंगल चलाओ, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब दोस्तों अगर आपको एवरेज की प्रॉब्लम है तो एवरेज इसमें बिल्कुल आपको बदलेगा नहीं, आप दो बंदे को बैठा के चलाओ चाहे एक बंदे को बैठा एक खुद ही चलाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि ये बैटरी के ऊपर चल रही है तो पेट्रोल तो खाएगी नहीं है। तो वैसे इसकी जो बैटरी है वो कितने घंटे चलती है? सर घंटे का हिसाब नहीं है सर, किलोमीटर का हिसाब होता है। 6 घंटे में आपकी चार्ज हो जाती है, ये आपकी 65 से 70 किलोमीटर की एवरेज दे देती है, इतना आपकी चलेगी। आपको यहाँ पे
मीटर में दे रखा है, ये बैटरी का परसेंटेज होता है, यहाँ पे आपके दिखा देगा, अगर ये ऐसे ब्लिंक होने लग जाए तो अपना चार्जिंग पे लगा दो। ओके, तो जैसे ब्लिंक हो रहा है और कुछ टाइम मतलब पास में ही कहीं जाना तो जा सकते हैं इसमें? हाँ सर, नॉर्मली चल जाएगी, चल जाएगी। बाकी एक सेल भी है तो आप आस पास में तो जा ही सकते, जैसे 2-3 किलोमीटर इसके अंदर तो चली जाती है। ओके, तो दोस्तों आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं हम लोग एच की तरफ, चलते हैं एक बार एच की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको दिखा दी थी यो ड्रिफ्ट, अब बात करते हैं हम यो एच की। आप देख सकते हैं इसके अंदर वाइट कलर में अवेलेबल है, और भी अवेलेबल होंगे सर, ग्रीन कलर में भी अवेलेबल होगी, ब्लैक कलर में भी है, जैसे भी आपको कलर जो भी आप पसंद कर सकते हैं। और सर इसके अंदर अभी दो ही कलर है हमारे पास, एक ग्रीन है, एक ये और एक रेड कलर है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपकी खड़ी यो ड्रिफ्ट, ये खड़ी एच, आप फाइंड कर सकते हो खुद से कि डिफरेंस क्या है। बस ये जो आपको हेडलाइट है इसमें नहीं मिल रही है ना? हाँ जी सर, इसके अंदर सर आपकी एलईडी नहीं मिलती, जैसे फ्रंट में ये है हैलोजन बल्ब है, हाइड्रोजन बल्ब है, और इसके अंदर क्या है एलईडी आपकी फ्रंट में, ठीक है। और सर ये थोड़ी लुक वाइज छोटी हो जाती है, वो थोड़ी बड़ी लगती है, बस इतना ही फर्क है, और बाकी फीचर सारे सेम है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर और उसमें सेम फीचर है सारे के सारे। तो दोस्तों आइए इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको यो कंपनी की दो बाइक स्कूटीज दिखा दिया, एक ड्रिफ्ट और एक एच, तो इसमें और भी कुछ फीचर्स हैं? हाँ जी सर, जैसे कि सर अगर आप अभी इस टाइम पे बारिश का मौसम चल रहा है जी, ठीक है, तो सर उसके अंदर क्या होता है, बंदे सोचते हैं कि बैटरी वाली स्कूटी है तो बैटरी बिक जाएगी या कुछ हो जाएगा, बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो सर इसके अंदर आपकी अंदर जो है यहाँ पे यूनिट है, इसके अंदर आपकी बैटरी रहती है तो बिल्कुल सेफ रहती है आपकी बैटरी, ठीक है, मतलब बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी किसी भी चीज़ में। मीटर भी इसका डिजिटल है, पूरा साइड से पैक होता है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी सर आप डिक्की में इसकी स्पेस देख सकते हैं खुद ही कितनी स्पेस है, ठीक है सर, नॉर्मल स्कूटीज में इतनी नहीं होती है, ठीक है। ये अगर आपको आसपास जाना है कहीं पर तो आप ये नॉर्मली अपने घर पर रख के जा सकते हैं, आपका हेलमेट वगैरह अगर हेलमेट चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और भी सामान इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सर इसकी बैटरी का मैंने आपको बताया था, इसके अंदर है एलए की अभी बैटरी है, एलए, हाँ जी, वो 24 एम्पीयर की बैटरी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है आपके सर, मैंने बताया था 6 घंटे चार्जिंग टाइम होता है आपकी, 65 से 70 किलोमीटर आपकी एवरेज देती है, ठीक है। अगर सर आपको एवरेज ज़्यादा चाहिए और आपको चार्जिंग टाइम कम चाहिए, उसके अंदर सर आपका क्या होता है लिथियम की बैटरी हम लगा देते हैं, वो ऐड करवानी पड़ती है, उसके अंदर क्या आपको 15,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। 15,000, हाँ जी 15,000। आप लिथियम की बैटरी अगर लगवा लेते हैं आपकी 80 से 85 किलोमीटर एवरेज देगी, ठीक है, 2 से 3 घंटे में आपकी फुल चार्ज भी हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों अगर आपको एवरेज बढ़ाना है और चार्जिंग टाइम रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप लिथियम की बैटरी लगवा सकते हैं, 15,000 उसके एक्स्ट्रा लगेंगे। बाकी आपको ये गाड़ी जो है वो 56,000 की ये मिल जाएगी, और जो एज वाली दिखाई वो आपको 54,000 की मिल जाएगी, 54, 56, 2,000 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप यहाँ से आके ले सकते हो। और जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना केयर के स्कूटी चला रहे हैं, आपको अपने केयर के लिए सब चीज़ें कैरी करके रखे तो बेस्ट है, वैसे इसमें नीड नहीं है। तो अपनी सेफ्टी आपके हाथ में, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करें, सेफ़ राइड करें। और बाकी बैटरी के बारे में बता दिया कि इसमें बारिश से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसके जैसे पानी कहीं पर भरा होता है, हाँ जी, तो उस जगह से अगर इसको लेके जाए तो भी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर इसके क्या है, आपके ट्यूबलेस टायर है वो भी 10 इंच के हैं, नॉर्मल जो स्कूटीज के होते हैं ना, हाँ। वैसे ही टायर है, तो आराम से आपके निकल भी जाएगी, ये नहीं कि दब जाएगी, वहाँ पे आराम से चली जाएगी। ओके, अगर नॉर्मल पानी भी कहीं पर भरा होता है तो। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। आज की वीडियो में हमने स्पेशली पेट्रोल जो महंगा होते जा रहा है उसको देखते हुए, और जो न्यू फ्यूचर में जो चीज़ें अवेलेबल होने वाली है आज से 5 से 6 साल बाद, इन्हीं चीज़ों का ज़माना चलेगा, तो आपके लिए अवेलेबल है, आप यहाँ से आके ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, गुड बाय।